अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं मस्जिद क़िबलातैन, मदीना में ज़्यारत के लिए हम आए हैं, और अब हम आए हैं मस्जिद क़िबलातैन। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है। ये जी मस्जिद क़िबलातैन की एंट्रेंस है, राइट साइड पे औरतों के एंट्रेंस की जगह है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे मर्दों की एंट्रेंस की जगह है। आपको मस्जिद क़िबलातैन के अंदर लेके जाते हैं, अंदर आपको सारी वीडियो को आप एंड तक देखें, और अंदर हम नवाफिल अदा करते हैं। ये जिसकी एंट्रेंस है, मेंस एंट्रेंस, माशाल्लाह सुबहानअल्लाह। 16 से 17 माह तक अल्लाह के नबी सल्लम ने मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल की तरफ नमाज करके मुँह क़िबला अव्वल की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है, फिर क़िबला चेंज हुआ था और खाना कबा की तरफ। ये जी एंट्रेंस को हम ऊपर जा रहे हैं, जाए नमाज मर्द हजरात के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये जी मीनार मस्जिद का, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत ही खूबसूरती से इस मस्जिद को बनाया गया है। ये जी यहाँ पे जूते उतारेंगे, यहाँ पे हम जूते उतार के अंदर जाके नवाफल अदा करेंगे और आपको दिखाएंगे। अभी तक वहाँ पे जाए नमाज बना हुआ है, जो मस्जिद क़िबलातैन जो मस्जिद अक्सा की तरफ है। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे ये सारी मस्जिद मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह, अल्लाहु अकबर। ज़ियारत के दौरान आप सब आएँ मस्जिद क़िबलातैन में, जाएँ यहाँ पे नवाफल अदा करें। ये है जी, ये देखें जी, अभी तक भी उन्होंने वो साइन जायनमाज़ का बनाया हुआ है। ये मस्जिद अक्सा की तरफ है। 16 माह तक नबी सल्लम ने मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ी है। ये अभी भी ये एक साइड ये मस्जिद अक्सा की तरफ है। ये देखें, इसे रोटेट करते हैं तो ये खाना कबा की तरफ है। सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जब आप मदीना में आएँ, ख़ासकर मदीना में, तो मस्जिद क़िबलातैन भी ज़ियारत के दौरान आप जिस गाड़ी में ज़ियारत के लिए जाएं, वो आपको मस्जिद क़िबलातैन की भी ज़ियारत के लिए लेके आएंगे, और यहाँ पे कम से कम 2 नवाफिल आके अदा करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके नवाफिल अदा करें, और अल्लाह ताला से दुआएं करें, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।